India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को. SSC बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना. और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और दोस्तों, अभी 15 मिनट पहले मैंने आपके CHSL का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बनाया है. तो जिन बच्चों को नहीं पता कि CHSL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, दोस्तों वीडियो देख लीजिएगा. अभी 10-15 मिनट पहले ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है CHSL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो आ चुका है. आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 1 महीने तक आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. फॉर्म भरिए जल्दी से, अपन प्रिपरेशन भी CHSL की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों. तो हमेशा की तरह यही करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने, जो कि मैंने कल आपको दिए थे, उसके बाद चलेंगे आज के इंटरेस्टिंग सेशन के ऊपर. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो था आपका सवाल था कल का, द सेंटर एंड द ADB हैव साइंड 926 USD मिलियन लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो लाइन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी. तो मेट्रो लाइन दोस्तों, इसको लेकर ADB के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है. किसकी? मुंबई. तो मुंबई की मेट्रो लाइन जो है सेकंड फेज है, उसके लिए इसको किया गया है, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीती, 25th प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी जो है वो किसके द्वारा जीती गई है? टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर के द्वारा इसको जीता गया. Who among the following has taken charge as MD and CEO of Yes Bank? MD और CEO Yes Bank के किसको? रवनीत गिल को बनाया गया है. According to the US-based rating agency Moody's, India's economy is expected to grow at dash in calendar year 19 and 20. तो कितनी परसेंट से? 7.3% से जो इंक्रीमेंट है वो बोला है Moody's ने. Who among the following became the first player to smash 500 sixes in international cricket? तो क्रिस गेल ने 500 छक्के जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक मार दिए हैं. द सेवंथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी के द्वारा क्रिएट किया गया. हु लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी इन न्यू दिल्ली. तो यहां पे थावरचंद गहलोत जी है जिन्होंने सेकंड एडिशन जो है इंडियन साइन लैंग्वेज का इनॉग्रेट किया. हु विच कंट्री टॉप्ड इन द IESF वर्ल्ड कप 2019. तो इंडिया जो है वो टॉप कर रहा है अभी IESF वर्ल्ड कप 2019 में.
who among the following insurance company partnered with the ATL to provide insurance cover to its lender and borrowers. तो lender and borrowers को लेकर ICICI Lombard ने जो किया है partnership करी है. Next question देखते हैं जो कि अब आपका क्या है core of the day क्या है. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल की है कि बहुत ही जबरदस्त कहा उनका एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने किसी टाइम पे कहा था कि सक्सेस क्या है. सक्सेस उनकी नजर में और सच में दोस्तों यही होता है कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूज ऑफ एंथुसियाज्म. ऐसा होता है बहुत बार दोस्तों. अभी कल ही ग्रुप डी का रिजल्ट आया है. मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि ग्रुप डी में जिन्होंने अपेयर किया होगा जिनका सिलेक्शन नहीं होगा. हालांकि बहुत सारे अपने वाइफ स्टडी परिवार के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है. अगर आप कम्युनिटी पे जाके देखोगे तो रिजल्ट वाले में दोस्तों बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है. बहुत सारे बच्चों ने लिखा है वहां पे. ठीक है, मैंने बोला भी था कि 70 नंबर के ऊपर कट ऑफ जाएगी, कोई मानने को तैयार नहीं था. लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ, 70 नंबर के ऊपर ही कट ऑफ गई जो कि जानी थी जनरल कैटेगरी की और मेजरली सबसे किसी के कोलकाता में तो 80 तक चले गई है. ठीक है, तो काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा. लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है यार, सक्सेस क्या है, फेलियर टू फेलियर विदाउट लूज ऑफ एंथुसियाज्म. अपना एंथुसियाज्म लूज मत होने दो, एक साल तक लगातार अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो. यकीन मानिए दोस्तों आपकी एक नहीं कई सारी जॉब लगेगी. अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है, CHSL आ रखी है, CGL भी आने वाली है. इसके अलावा आपकी CPO का एग्जाम है अभी 12 तारीख को, रेलवे में आपकी JEE की है, SSC JEE आपके लिए अवेलेबल है. अभी NTPC आ रही है, ग्रुप डी अभी गया है. ठीक है, लोको पायलट टेक्नीशियन अभी गई है. तो बहुत सारी जॉब्स है, टेंशन मतलब बिंदास होकर बस लगा के प्रिपरेशन करो, बाकी सब अपने आप से हो जाएगा. आपका काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का है. क्या जाएगा कट ऑफ, कितनी वैकेंसी से कब आएगी, ये सब अपना काम नहीं, कर्मा करते रहो, बाकी फल अपने आप मिलेगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना एंथुसियाज्म को लूज नहीं होने देंगे. कभी भी लगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी कमेंट के द्वारा, एनी टाइम आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों. देखते हैं आज के द हिंदू के अंदर क्या है. द हिंदू की बात करें सबसे पहले तो क्या यहाँ पे पीएम मोदी जी है जिन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई हम ठीक है टेरर को क्रॉस बॉर्डर में पनपने नहीं देंगे, हम हमेशा एक्ट करेंगे जो भी टेरर जो है प्रिपेयर कर रहा है उसके खिलाफ. इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि पाकिस्तान ने बैन किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो डेजिग्नेटेड आउटफिट्स है उसको, और दिल्ली जो है वो कन्विंस नहीं है. इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्या हुआ ये मुद्दा एक्चुअली में. इसके अलावा जो अपने धनवा जी है IAF के चीफ, उन्होंने बोला है कि भाई हमने टारगेट को हिट किया है बालाकोट के अंदर, हमने कैजुअलिटीज नहीं गिनी है, समझ रहे हो. तो उनको जो जो टारगेट जहाँ जहाँ पे जैम के जो जो वहाँ पे लगे हुए थे सेंटर्स उनको उन्होंने टारगेट किया है. इसके अलावा यहाँ पे कभी अभी क्या कुछ टाइम पहले से बोला जा रहा था कि 200 मर गए, 300 मर गए, 500 मर गए, तो उस चीज़ को क्लियरिफाई किया है IAF के चीफ ने कि भाई हमने टारगेट को हिट करा, हमने काउंट नहीं करे कितने लोग मरे. इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टीज है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि भाई यार साथ में करवा दो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन, हम परेशान हो चुके हैं. ठीक है, ऑब्वियस बात है अभी यहाँ पे काफी टाइम से प्रेसिडेंट, पहले 6 महीने गवर्नर रूल था, अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और फिर विधानसभा के होंगे लोकसभा के होंगे तो काफी प्रॉब्लम्स होगी. तो दो सारी पार्टी जितनी भी है सबने बोला है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन साथ में करवा, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन साथ में करवा दो हमारे. तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉलेज को लेकर है, प्रेसिडेंसी कॉलेज अंडरग्राउंड सीक्रेट, तो इसको लेकर न्यूज है. ये कुंभ की फोटो है दोस्तों, आपको मालूम है कुंभ में बोला गया है कि 192 कंट्रीज के लोग है जिन्होंने जो कि टोटल मिला के 24 करोड़ लोगों ने डुबकी मारी है. दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है आपको मालूम है कुंभ, 24 करोड़ लोगों का डाटा है, मतलब बताया गया है कि 24 करोड़ लोगों ने डुबकी मारी है. 1 करोड़ लोगों ने तो महाशिवरात्रि के दिन ही डुबकी मार ली, समझ रहे हो. तो ये यहाँ पे इसके बारे में न्यूज है. तो सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि किसको लेकर है, अपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर और कुछ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर. देखिए काफी प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा भी, और कई सारी कंट्री ने जो है वो बोला है कि भाई आप इन टेरर ग्रुप्स को बैन करो, इनके खिलाफ एक्शन लो, स्पेशली जिस तरीके से इंडिया के साथ में टेंशन बनी हुई है उस चीज को. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मंडे को पास किया एक ऑर्डर जिसमें वो क्या कर रहा है, लश्कर ए तैयबा के जो ऑफशूट्स है, मतलब लश्कर तैयबा की जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जमातुल दवा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन, इसको उसने क्या किया है, बैन किया है. गवर्नमेंट के सोर्सेस दिल्ली में बोलते हैं कि पाकिस्तान के इस मूव से हम काफी संदेह करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है पाकिस्तान ने ऐसा पहले भी किया है. पाकिस्तान पहले भी क्या करता है, कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तो 4-6 महीने के लिए बैन कर देते हैं, उसके बाद वापस ये खुले में घूमते हैं, समझ रहे हो. तो इस तरीके की यहाँ पे एक्टिविटीज होती रहती है. तो इंटरनेशनल प्रेशर के बाद में दो जो लश्कर तैयबा के ऑफशूट्स है उनको क्या किया है, अभी बैन किया गया है. अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं वैसे कितना ये इफेक्टिव रहता है बैन. साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो आपको मालूम ही है 5 तो परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है. ठीक है,
वन ऑफ द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, वो सिक्योरिटी काउंसिल ही है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रखना इसका काम है। और इसके अलावा 1945 में फॉर्मेशन हुआ था, 15 स्टेट मैंने आपको बताई दिए। प्रेसिडेंट अभी कौन है, फ्रांसो फ्रैंकस करके है जो कि अभी इसके प्रेसिडेंट है। 5 परमानेंट मेंबर आपको मालूम ही है, यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस और चाइना। और अभी नॉन परमानेंट मेंबर जो इसके बने हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉन परमानेंट मेंबर है अभी इसके आवरी कोस्ट है, गीनिया है, साउथ अफ्रीका, कुवैत, इंडोनेशिया, पोलैंड। हालांकि पेपर में पूछते नहीं है, लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको हमेशा जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स भी पता होने चाहिए करंटली कौन है, ठीक है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो हमेशा देख के जाना अभी 18-19 के अंदर जो है, 19 के अंदर जो है वो कौन कौन है, ठीक है, ये पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते आगे की तरफ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो पेज नंबर 7 पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे राइनोस को लेकर है दोस्तों। राइनोस के लिए हमारा नेशनल पार्क कौन सा फेमस है आपको मालूम है, काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है ना। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया भूटान, नेपाल, कौन कौन से देश है लिख देता हूं आपके लिए सही रहेगा, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया, ताकि जो 3 स्पीशीज एशियन राइनोस की है उसको क्या करा सके, बढ़ाया जा सके, जिसके अंदर एक तो वन हॉर्न्ड राइनोस भी है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। 5 राइनोस की बात करें तो डिक्लेरेशन, ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस एक डिक्लेरेशन करी गई है, क्या, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019। तो इसके अंदर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेकर स्पीशीज की बातचीत करी गई है, और सेकंड एशियन राइनो रेंज कंट्रीज की यहां पे मीटिंग हुई है। तो ये चारों कंट्रीज ने मिलकर काम करने के लिए कहा है। राइनो होता क्या है दोस्तों, एक सींग का, वन हॉर्न्ड राइनोस बहुत फेमस है, एक सींग का गैंडा होता है ये, है ना। तो अपने जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उन्होंने कमिटमेंट दी है टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द राइनोस, और डिक्लेरेशन को यहाँ पे साइन किया गया। जावा और सुमित्रन राइनोज भी होते हैं जो कि हर 4 साल के अंदर उनके भी काउंटिंग होती है वहाँ पे इंडोनेशिया वाले में, तो उनके भी कंजर्वेशन को लेकर बातचीत करी गई है, ठीक है। तो ये 4 देश जान रखिएगा, और मैंने आपको राइनोज के बारे में बता दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है, काफ़ी फेमस है, ठीक है, गुवाहाटी से कोई नियर बाय 150-150 किलोमीटर के आसपास है। साथ में पीएम ने लॉन्च किया वन नेशन वन कार्ड। तो देखिए इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है डेवलप, इसको लॉन्च किया गया, जिससे क्या होगा, कई जगह पे आप पैसे दे सकते हो एक ही कार्ड से, मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस। इसमें क्या होगा कि अगर आप इंटर जो ऑपरेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड है जो कि अलाउ करेगा आपको, बस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, इस कार्ड से पैसे दे सकते हो, टोल के ऊपर भी दे सकते हो, पार्किंग के ऊपर इसी कार्ड से पैसे दे सकते हो, रिटेल में शॉपिंग के वक्त भी इसी कार्ड से पैसे दे सकते हो, और मनी के विड्रॉल भी आप इससे कर सकते हो। इस तरीके से एक जो है कंप्लीट वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया गया है। बेसिकली जो बनाया गया है वो ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि बताइए वन नेशन वन कार्ड जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहली बात ये तो मोदी जी हो गए, और दूसरा कि भाई किसके लिए किया गया है। तो ये मेजर जो इसका रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, समझ गए। जैसे कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे एक ही कार्ड से सारे काम हो जाते हैं आपके। अगर घर को चालान भी है ना, तो आपके चालान भी अपने कार्ड से अपने आप कट जाएगा, मतलब आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से वहाँ पे हाईली हर चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड है ऑलरेडी। तो इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट सिस्टम जो है सिंगली करने को लेकर ये स्टार्ट किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स से, और इंडिया का दूसरा मैच होने वाला है, पहला मैच जीत चुकी है। इसके अलावा वुमेन टीम यहाँ पे एक मैच हार चुकी है कन्विंसिंग विंग, हालांकि जो सीरीज है वो इंडिया जीत चुकी है। इमरान ताहिर है वो वर्ल्ड कप के बाद में क्विट कर रहे हैं ODI को। और इसके अलावा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए झूलन गोस्वामी की है। दुनिया के जो सबसे फास्टेस्ट बॉलर मानी जाती है वुमेन के अंदर, वो झूलन गोस्वामी मानी जाती है, 36 साल की, और ICC वुमेन रैंकिंग की ODI बॉलर के अंदर नंबर 1 पे आ गई हैं, ठीक है। इससे पहले 2017 में पहुंची थी, अब जाके वापस से यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा स्मृति मंडाना जो है वो भी ICC की वुमेन चैंपियनशिप बैट्समैन के अंदर टॉप पोजिशन के ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक और बात करते हैं भारतमाला परियोजना की, ये भी एडवर्टीजमेंट आया हुआ है आज के अखबार में। देखिए कोई भी स्कीम पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या कि अखबार के साथ में पढ़ लो उसके बारे में। सरकार कोई सी भी योजना लॉन्च करती है तो अखबार में एडवर्टीजमेंट तो देती है, चाहे कोई सी सरकार हो। अगर हम वहीं से कवर कर ले सारी योजनाओं के बारे में तो शायद फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई हमें अलग से पढ़ने की। तो ये भारतमाला परियोजना आपको ध्यान रखनी है। भारतमाला परियोजना का पेज नंबर 18 के ऊपर एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड
हाईवे जो है उसकी ये योजना है, नितिन गडकरी जी आपको मालूम है मिनिस्टर 2015 में इसको लॉन्च करी गई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, फंडेड है रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स देश में बनाने को लेकर। टोटल इन्वेस्टमेंट भी काफी बड़ा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिगेस्ट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 60,000 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवे जो कि बिल्ड करे जा रहे हैं नियर बाय 7 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में, जिसमें 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर है 9,000 किलोमीटर के लेंथ के और ठीक है इन्वेस्टमेंट इसमें ही, 2,000 किलोमीटर की रोड है जो कि इन्वेस्टमेंट 25,000 करोड़ के साथ में नेपाल भूटान बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पे बनाई जा रही है। इस तरीके से काफी कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, मैप भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये भारत माला है, भारत को एक तरीके से माला पहनाई जा रही है रोड्स के द्वारा, समझ रहे हो। तो इस चीज को लेकर जो अपने मेजर की जो 4 सिटीज है उनको कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट आउटले गवर्नमेंट के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन में अब तक का दिया गया है। प्रोजेक्ट बिल्ड होंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा एंटायर जो आप देख रहे हो स्टेट यहाँ पे बनाए जाएंगे, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से परियोजनाएं जो है वो पढ़ते रहा करो। और 1998 के अंदर एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, उसी से ये आइडिया जो है वहीं से ही क्या किया गया है, वहीं से इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, आगे की तरफ चले, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आज के अपने, द यूएस ऑफिशियली क्लोजेस जेरूसलम कंसुलेट। तो जेरूसलम को लेकर काफी ज्यादा मुद्दे हैं, आपको मालूम है जेरूसलम जो है वो इसराइल अपनी कैपिटल बताता है, काफी देश इसको रिकग्नाइज भी करते हैं, और ईस्ट जेरूसलम वाला जो एरिया है वो क्या है वो बोलता है पैलेस्टीन अपनी राजधानी। तो जेरूसलम को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यूएस ने क्या किया था कुछ टाइम पहले, जेरूसलम के अंदर एक अपनी कंसुलेट जो है ऑफिस है जो कि ओपन कर दिया था इसराइल को फेवर करते हुए, तो वो उसने वापस अभी क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली शट डाउन कर दिया है जेरूसलम के अंदर अपना कंसुलेट, कंसुलेट का मतलब होता है गवर्नमेंट का ऑफिस। और जिस तरीके से डिप्लोमेटिक मिशन जो है उसका पैलेस्टीन को लेकर खराब हो रहा था उसको लेकर उसने ये किया है ना, ताकि इंक्रीज कर सके डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पैलेस्टीन के साथ में, और पैलेस्टीन के पीछे जो है वो पूरा अरब देशों का काफी बड़ा सपोर्ट है आपको मालूम है, ठीक है। इंडिया ने रिकग्नाइज करने से ही मना कर दिया था 1950-49 के समवेयर इसराइल को एज ए कंट्री, क्यों, क्योंकि इसराइल के पीछे जो सपोर्ट है वो वेस्ट का है और पैलेस्टीन के पीछे जो सपोर्ट है वो पूरा गल्फ देशों का है। नेहरू जी ने जो है वो मना कर दिया था कि हम इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करते हैं, और उस टाइम पे हुआ क्या था, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया को गल्फ देशों के साथ में अपने टायर बिगाड़ने नहीं थे, गल्फ देश पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं और इसराइल को सपोर्ट नहीं करते। फिर भारत ने फिर कुछ टाइम पे बाद जब इसराइल ने भारत को काफी सपोर्ट करना चालू किया हर वॉर के अंदर न्यूक्लियर, जब भारत ने एकमात्र ऐसा देश था इसराइल जिसने उनको सपोर्ट किया था बिल्कुल विदाउट किसी शर्तों के, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब इसराइल ने खुलेआम बोला था कि भाई हम तो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपने 1999 जो कारगिल वॉर है उसमें सपोर्ट किया, ऐसे कई बार जो इसराइल ने वेपन्स भारत को काफी बार दिए हैं। तो अभी जब देखे जाए तो दोनों देशों के साथ हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं, गल्फ के साथ में भी और पैलेस्टीन के साथ में भी। नेहरू जी ने बाद में समझ में आए उनको कि इसराइल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसराइल के साथ भी रिश्ते भारत ने बढ़िया करे और आज भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि देश का पीएम कहीं पे भी ट्रिप करता है ना तो पहले पैलेस्टीन जाता है तो फिर इसराइल जरूर जाता है, और इसराइल जाता है तो फिर पैलेस्टीन जरूर जाता है। तो दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके पीछे क्या है, गल्फ देशों का हाथ है, ठीक है। तो एक बार 4-day war भी हुई थी जिसमें इसराइल ने 4 दिनों के अंदर ही मतलब अपने जो नेबरिंग देश है उन सबको हरा दिया था, मतलब 4 दिनों 4-day war कहते हैं उसको। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि इसराइल ने जो अपने आसपास के देश है उनको काफी बार मतलब इस तरीके से हराया कि मतलब कुछ दिनों के अंदर ही ढेर कर दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसराइल के बारे में कभी और अपन जानेंगे, कभी डिटेल के अंदर अपन बात करेंगे। 6-day war थी, एक 4-day नहीं थी, एक्चुअली में 6-day थी, वो 6-day war थी जो कि ये हुई थी 1967 के समवेयर, इसको जून वॉर भी कहते हैं, अरब इसराइल वॉर या 3rd अरब इसराइल वॉर कहते हैं, ठीक है। 1967 के अंदर हुई थी, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको इंटरेस्टिंग, थोड़ा जिन बच्चों को पता नहीं होगा उनको थोड़ा मजा आएगा कि इसराइल ने जो अपने नेबरिंग स्टेट है ना जो इसके, जैसे कि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इन सबको मतलब 6 दिन के अंदर ही ढेर कर दिया था। तो आपको मालूम है आज भी इसराइल से कोई पंगा लेना पसंद नहीं करता है, और इसराइल की जो एजेंसीज है वो तो उनका तो मोटिव ही यही है कि अगर कोई इनके एक सिटीजन को मारता है तो ये उनके 10 लोगों को मारते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी तगड़ा देश है मतलब इसराइल, छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इनने काम किया हुआ है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, और मेधा नावरकर को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष और सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है। तो मेधा को क्या किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी बनाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की,
तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंडियन ओरिजिन है इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन अमेरिकन है मेधा, उनको वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनाया गया है, और MBA किया इन्होंने वॉटन यूनिवर्सिटी से, वॉटन स्कूल से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। CISF ने क्रिएट किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट सिंगल लाइन मूविंग बाइसिकल परेड, तो सिंगल लाइन मूविंग बाइसिकल परेड करी CISF ने और बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे, यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर 1300 साइकिल की परेड करी गई, 3.2 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस नॉन स्टॉप जो है यूनिफॉर्म डिस्टेंस साइकिल एक सिंगल लाइन के अंदर चलाई गई। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो भी हुबली बाइसिकल क्लब का था, इंडिया का ही था, जिन्होंने 1200 साइकिल सिंगल चेल के अंदर चलाई थी। नेक्स्ट है जो कि अभिनंदन वर्धन जी को मिलेगा भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार, तो बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है और आपको मालूम है अभिनंदन जी अभी काफी ट्रेंड कर रहे हैं और हर जगह पे, तो आपको बाकी सब तो मालूम ही है। तो अभी जो ये अवार्ड है ये अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति के द्वारा दिया जाता है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार, ठीक है। तो ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है, और मिक आपको मालूम ही है वरदान जी अभी मिक 21 बिसॉन उड़ा रहे थे और शूट डाउन किया था इन्होंने F-16 को, और डॉग फाइट में इन्वॉल्व थे, एयर टू एयर मिसाइल इनकी R-73 एक जो है, ठीक है, वो इनकी एक मिसाइल एक शूट होने की वजह से ये LOC के अंदर 7 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। उसके बाद का पूरा प्रोसीजर आपको मालूम ही है। तो इसके अंदर 2.5 लाख रुपये मेमेंटो सिटेशन ये सब है जो कि मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स टू बी सेटअप एट ग्वालियर, तो ग्वालियर के अंदर जो है वो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है जो कि सेटअप किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो डिसेबल अपने बच्चे हैं उनके लिए ये सेटअप किया जा रहा है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, और ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे, ग्वालियर के अंदर 2021 से ये प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट हो जाएगा, ओके। काफी सारे इंडोर पूल है, आउटडोर पूल, सब कुछ इसके अंदर बनाए जा रहे हैं। साथ में इंडियन बैंक रिसीव बेस्ट बैंक अवार्ड, इंडियन बैंक को क्या मिला है, बेस्ट बैंक का अवार्ड यहाँ पे नवाजा गया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, बेस्ट बैंक अवार्ड तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट के पलानी स्वामी, उन्होंने अवार्ड दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक के MK भट्टाचार्य जी को। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई के अंदर है, MD और CEO कौन है अभी, पद्माज जी, और टैगलाइन क्या है, योर ओन बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल भारत मोहन अधिकारी जी का भी रिसेंटली निधन हो गया है। तो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल की जो रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके, तो भारत के साथ में भी काफी बार इनका आवन जावन हुआ था, इसीलिए हमारे लिए भी इनको न्यूज को कवर करना इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, आज अपन जो कंट्री की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर किसकी, आपको मालूम ही कल अपन ने नॉर्थ कोरिया बात करा था, तो आज अपन साउथ कोरिया के बारे में बात करेंगे। विलोम शब्द पढ़े कभी आपने, विलोम शब्द, विलोम का मतलब क्या होता है कि भाई अगर अच्छा है तो बुरा है ना, ये तो आपको मालूम ही है, बच्चे वाली चीज है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, मतलब जहां पे नॉर्थ कोरिया के हालात बहुत ही खराब है, दुनिया के हर इंडेक्स के अंदर लास्ट के टॉप 10 में आता है, वैसे साउथ कोरिया है वो ऊपर से टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर आता है। सियोल आपको मालूम है कैपिटल है, आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर। इसके अलावा काफी कुछ चीजें जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है, प्रेसिडेंट मून है यहाँ पे, जो कि आपको नाम ध्यान रखना है, पेपर में पूछते हैं। प्राइम मिनिस्टर ली नैक है, करेंसी कोरियन रिपब्लिकन वॉन है जो कि मैंने आपको बताया था। नेशनल एनिमल साइबेरियन टाइगर, बर्ड है यहाँ पे कोरियन मैकपी, ट्री है यहाँ पे कोरियन रेड पाइन। बाउंड्री जो है वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया से मिलती है क्योंकि पूरा का पूरा पानी के अंदर है बाकी, तो ठीक है। तो एक देश से बाउंड्री मिलती है वो भी ऐसे नालायक है, मतलब तो ये भी इसका भी क्या इंडिया पाकिस्तान जैसा ही हाल है, मतलब इंडिया तो है डेवलपमेंट की कोशिश करता है, पाकिस्तान उसके पैर खींचता है, वैसे ही साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का सीन है। और आपको जान के मालूम होगा कादिर करके एक साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के, उन्होंने ही ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दी है, जिससे आज वो पूरी दुनिया में उधम मचा रहा है, मतलब जिसके दम पे वो उछल रहा है, अमेरिका तक को धमकी देता है बात बात पे। तो ये जो है वो पाकिस्तान के द्वारा ही, चाइना ने दी पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने दी नॉर्थ कोरिया को ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वाली, तो इस वजह से ये पूरे के पूरे तीनों देश ही दुनिया के लिए सिरदर्द है। चाइना चलो फिर भी ठीक है, बिजनेस पे फोकस करता है, लेकिन पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों बर्बाद देश, ठीक है। तो साउथ कोरिया जो है वो ईस्ट एशिया के अंदर है, और यहाँ पे जो सदर्न कोरियन पेनिनसुला है उसके अंदर सदर्न पार्ट में है। हाईली डेवलप्ड कंट्री है, हाई इनकम इकोनॉमी है इसकी, वेरी हाई के अंदर आता है SDI के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पैरामीटर होते हैं, आपको मालूम है, एक तो एजुकेशन होता है, एक आपके लॉन्गिविटी होती है कितना आप जीते हो, और एक पर कैपिटा इनकम होता है।
तो तीनों के अंदर मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसलिए एसबीआई रैंकिंग काफी अच्छी है। 22वें नंबर पे है, देख सकते हो आप, 22वें नंबर पे होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें आगे, रीजनल पावर माना जाता है, 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के द्वारा, एशियान का मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस का, G20, WTO और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे साउथ कोरियन प्राइमरी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन स्टील, इसके ऊपर बहुत फोकस करता है, वर्ल्ड कैपिटल माना जाता है प्लास्टिक सर्जरी का। एक आइलैंड है जेजू साउथ कोरिया के अंदर, वो टॉलेस्ट माउंटेन माना जाता है यहाँ का, नियर बाय 6,000-6,500 फीट के ऊपर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और एक बच्चा पूछ रहा है कि भारत की कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग, तो भारत की कुछ अच्छी नहीं है, भारत की 130 है एसडीआई में, भारत की रैंकिंग जो है वो मिडल के अंदर है, पुअर में भी नहीं है, डेवलप्ड में भी नहीं है, बीच में है, बीच में है, और अभी जो रैंकिंग है वो 2018 की 130 है। आप देख सकते हो 22वां नंबर और 130वें नंबर में कितना अंतर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें और देख लेते हैं, आपने सैमसंग का नाम सुना ही है यार, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे। साउथ कोरियन बिलीव करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है साउथ कोरिया की, कि साउथ को अपन तो क्या मानते हैं, बच्चा जब पैदा होकर एक साल का होता है तब अपन उसको एक साल का मानते हैं, ये लोग जो जो वॉब में मदर के वॉब में जो टाइम पीरियड बताया हुआ होता है ना बच्चे ने, उसको भी ये लोग कंसिडर करते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा कल्चर यहाँ पे फॉरनर्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो बोलता है 25 साल उसको लगता है, 26 या 24 पता नहीं क्या है, अंदर वाला भी 9 महीने गिन लेते हैं ये लोग। साथ में एक्स यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो बैंकिन मून थे, जो कि अभी पहले एंटोनियो गुटरेस से पहले बैंकिन मून ही थे ना, वो साउथ कोरिया से थे, फोर्ब्स ने उनको मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड भी बताया था। साथ में एवरेजली जो है दुनिया में सबसे तेज स्पीड जो है वो साउथ कोरिया में ही आती है इंटरनेट की स्पीड। सैमसंग आपको मालूम है बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, हेडक्वार्टर यहीं पे ही है साउथ कोरिया सियोल में। साइबर स्पोर्ट्स बहुत ही पॉपुलर है, स्टेडियम में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, कंपटीशन होते हैं वीडियो गेम्स के। साउथ कोरियन फ्लैग जो है उसके अंदर सिंबल्स है जो कि बुद्धिज्म और टॉयज्म को शो करता है, देख रहे हो आप, बुद्धिज्म को और टॉयज्म को शो करता है। ये टॉयज्म के बारे में मालूम है क्या आपको, इसने के बारे में आपने कभी पढ़ा है, बुद्धिज्म और टॉयज्म? देखो बुद्धिज्म तो आपको मालूम है इंडिया से ओरिजिन हुआ है, टॉयज्म जो रिलीजन है ना, ये क्या ये रिलीजन भी और एक फिलॉसफी भी है, जो कि चाइना के अंदर मेजरली जो 70% लोग हैं वो इसी को मानते हैं, 70% टॉयज्म को ही मानते हैं। टॉयज्म एक्चुअली क्या, ये 500 BC के टाइम पे एक टैंग करके एक फिलोसोफर थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। तो चाइना के अंदर एक डायनेस्टी थी टैंग डायनेस्टी, तो उनके टाइम पे जो है वो लोगों ने ये वाली जो रिलीजन है उसको अपना लिया था। तो नॉर्थ साउथ कोरिया में भी है ये, और चाइना में तो बहुत ही फेमस है टॉयज्म। फेंगशुई देखा होगा ना आपने, फेंगशुई आता है, तो ये फेंगशुई जो है ना ये इन्हीं के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए, और साथ में यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी भी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल लैब जो है वो साउथ कोरिया के अंदर ही है। तो दोस्तों ये था आपके साउथ कोरिया के बारे में, अब देखते हैं अपना आज का फन फैक्ट क्या है। तो दोस्तों अक्सर आपने लोगों को देखा होगा यार, आधा किलो नॉनवेज खाते हुए, एक किलो नॉनवेज खाते हुए, ज्यादा ज्यादा जो बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि टाइगर जो है ना एक बार में सिंगल नाइट में 27 किलो जो है वो क्या कर सकता है, मतलब फ्लैश को खा सकता है। मतलब ऑब्वियस बात है खाना तो वो खाएगा जो नॉनवेज ही खाएगा, तो ईट अप टू द 60 पाउंड, 27 किलो एक बार में, टाइगर की इतनी खतरनाक कैपेसिटी है, समझ रहे हो। 27 केजी जो है आप मेरे ख्याल से ह्यूमन जो है वो कोई एक या दो महीने के अंदर खाते होंगे, और टाइगर एक नाइट के अंदर कंज्यूम कर सकता है। तो ये टाइगर को लेकर एक फन फैक्ट था, उम्मीद है कि आपको जान के थोड़ी हैरानी हुई होगी। अब चलते हैं दोस्तों आज के अपने 10 महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से मध्य पूर्व के किस शहर में हाल ही में अमेरिका ने अपना पहला वाणिज्य दूतावास आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल ने सबसे लंबी सिंगल लाइन मूविंग साइकिल परेड के लिए एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को इनाम के रूप में कितनी राशि है जो कि दी जाती है? नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आपके, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम देश को समर्पित किया है? नेक्स्ट है, हाल ही में भारत मोहन अधिकारी का निधन हो गया, भारत मोहन अधिकारी का, वह किस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे? और देख लेते हैं क्वेश्चन, 7वें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने, ये तो अपन ने कर ही लिया कवर, ये तो कल का क्वेश्चन है, नई दिल्ली में, ये भी अपन ने कर लिया था।
साइन लैंग्वेज वाला, ये कल के क्वेश्चन है, एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको, ये सारे कल के क्वेश्चन है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। मेनामाटी मैत्री एक्सरसाइज 2019 जो है वो बीएसएफ और बीजेपी के बीच में जो हुई है वो कहां पे कराई गई, और नोएडा में सबसे लंबी सिंगल लाइन साइकिल परेड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया। अगला सवाल है, भारत सरकार ने $926 मिलियन के साथ समझौते पर मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली के लिए दो लाइनों में संचालन के लिए किस बैंक के साथ में करार किया है। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की अवधि के लिए जमात ए इस्लामी जम्मू और कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज अपॉइंटेड प्रणय कुमार वर्मा एज द इंडियाज एम्बेसडर टू, तो प्रणय कुमार वर्मा को इंडियाज एम्बेसडर कहाँ का बनाया है ये सब आपको बताना है। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। साथ में दोस्तों 11 तारीख से जो है वो अपना नया शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, साथ में वाईफाई स्टडी स्टेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके और भी बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन अपन वहां पे कराने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप अपना कोर्स को जल्दी एक या दो महीने में खत्म करना चाह रहे हैं तो एक कोर्स है जो कि आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है 11 मार्च से, मात्र ₹800 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन होगा आपका, जिसमें पूरा नॉन टेक आपको पढ़ाया जाएगा रीजनिंग कंसेप्ट के साथ, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और साथ में जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब कुछ आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है बहुत ही। और इसके अलावा आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिलेंगे हर 7 दिन के अंदर, हर 3 दिन के अंदर आपकी डाउट क्लासेस होगी। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनअकैडमी का, वहां से आप इसको रेलवे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन है तो वो लेने के बाद में 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में यूट्यूब पे पढ़ने के लिए जो आपकी 12 बजे के आसपास क्लासेस चली रही है तो उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।